नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे आफ्टर शेव लोशन। आफ्टर शेव लोशन एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी होती है। जो इसकी अगर सबसे ज़्यादा सेलिंग की बात की जाए तो नॉर्मली सलून में इसकी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होती है। शेव होने के बाद जो लोशन लगाया जाता है वही होता है आफ्टर शेव लोशन। किस तरीके से बनेगा, क्या क्या मटेरियल लगेंगे, सारी प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, जिससे कोई स्टेप आपसे छूट ना जाए और आपका प्रोडक्ट बिगड़े नहीं। और साथ ही साथ वीडियो खत्म होने के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको लाइसेंस भी कौन से लगेंगे, जिसको आप मार्केट में इजीली आपको सेल कर सको। ठीक है, तो शुरू करेंगे प्रोसेस को। आफ्टर शेव लोशन बनाने के लिए हमें कुछ ज़रूरी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। किस प्रकार से देख लेते हैं। सबसे पहले होगा डिस्टिल वाटर। नॉर्मल वाटर जो होता है यह उससे अलग होता है, होता ये पानी है लेकिन इसको गर्म करके, नॉर्मल पानी को गर्म करके उसकी वाष्प में से इसको बनाया जाता है। डिस्टिल वाटर हमें लेना है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम हमने डिस्टिल वाटर ले लिया। अब इसके बाद हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है स्मेल में भी, और ये ज्वलनशील भी होता है, तो उपयोग करने के लिए ख़ास ध्यान रखें। इसका आपको लेना है 175 ग्राम, 175 ग्राम। यहाँ मैं 250 ग्राम का बैच बता रहा हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमें लेना है परफ्यूम। परफ्यूम ऑप्शनल होता है, आप कोई भी ले सकते हो। आपको जो भी परफ्यूम कंफर्टेबल लगे आपके शेव लोशन के लिए आप वो ले सकते हो। यहाँ पे परफ्यूम हमें लेना है करीब करीब 13 ग्राम, 250 ग्राम के बीच में आपको 13 ग्राम परफ्यूम ले लेना है। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। हाँ, अगर आपको कोई एक्सटर्नल इसमें ऐड करना है, जैसे एलोवेरा या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ ऐड करनी है, तो आपको सबसे पहले डिस्टिल वाटर में ऐड करनी है, उसके बाद ही बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें परफ्यूम ऐड कर दिया। इस वक्त मैं कलर ऐड नहीं करूँगा, कलर ऑप्शनल होता है, ये आपके परफ्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद ये जो चौथा इंग्रेडिएंट्स है, खास ध्यान रखिए, इसके अंदर चारों इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुए हैं परफ्यूम को छोड़ के, बाकी तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। हाँ, परफ्यूम का डिपेंड करता है क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पे, कई बार उसमें डिफरेंस होते हैं, लाइट येलो शेड भी होता है, कई बार परफ्यूम ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। बाकी तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे ट्रांसपेरेंट होंगे, मिथाइल अल्कोहल, डिस्टिल वाटर, और ये चौथा है, इसका नाम है डाइथाइल फैथलेट। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी नाम दे दूंगा। और इन सब के क्या क्या कार्य है ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें भाई बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता उतना देखने का। तो अगर आप इसमें क्या क्या उपयोग किया या अगर आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आपको गूगल सर्च कर सकते हो। डाइथाइल फैथलेट हम इसमें उपयोग करेंगे 13 ग्राम। इसका उपयोग एज वेल एज परफ्यूम जितना ही होगा, जितना आप परफ्यूम लेंगे उतना ही इसको लेना है। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद अभी आप अगर इसमें कलर ऐड करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें कोई भी कलर को ऐड कर सकते हो। जो भी आपने परफ्यूम लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कलर ऐड करके इसको पैक करके आप सेल कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, कितनी आसानी से हमने एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड, एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हमने रेडी कर लिया केवल 4 इंग्रेडिएंट्स से। अगर आप इसमें कुछ एक्सटर्नल ऐड करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा अनुसार आप ऐड कर सकते हो, जो मैंने प्रोसीजर में बताया हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है ऑफिशियली, अगर आपको इसको सेल करना है, तो आपको कॉस्मेटिक ग्रेड के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। केवल MSME रजिस्ट्रेशन के बेस पर आप इसको ऑफिशियली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सजीव पे उपयोग होने वाली वस्तु है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका उपयोग अगर सजीव पे हो रहा है, तो उसके लिए आपको कॉस्मेटिक ग्रेड के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और आफ्टर शेव लोशन भी सजीव पे उपयोग होता है, तो इसके लिए आपको कॉस्मेटिक ग्रेड की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप उसको ऑफिशियली सेल करना चाहते हो। हाँ, अनऑफिशियली अगर आप सेल करना चाहते हो तो अलग बात है,
लेकिन ध्यान रखिएगा अनऑफिशियली इन केस फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें इस प्रोडक्ट में अल्कोहल का उपयोग हुआ है। कई लोगों की स्किन के रिलेटेड अल्कोहल हानिकारक भी हो सकता है, तो किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो तो आप पहले कॉस्मेटिक ग्रेड रिलेटेड आप लाइसेंस बनवा लीजिएगा, उसके बाद आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।